नमस्कार दोस्तों, अष्टम पॉइंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों जैसा कि आजकल 69 हज़ार शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, मामला न्यायपालिका तक पहुंच चुका है, रोज डेट पे डेट मिलती जा रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं जो प्रबल उम्मीदवार हैं वो भी परेशान हैं। तो आपको एक चीज़ मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में अभी आपने देखा होगा कि 68,500 में रिजल्ट जो पुनर्मूल्यांकन का आया है, जिसमें 4600 समथिंग बच्चे पास हुए हैं। तो इससे आपको कहीं ना कहीं जो 90 और 97 कटाप वाले हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान के चलें, क्योंकि जो 4600 लोग हैं कम से कम वो 69,000 में से माइनस हो गए। 69,000 मतलब कि जो 4,10,000 दिए हैं और जो रिज़ल्ट आने वाला 18 से 20% उसमें से माइनस हो गए हैं। और अभी भी जो कल यानी कि 21 फरवरी को एक नोटिफिकेशन भी आया है, उसमें सरकार ने 33% और 30% के जो कटाप को नकार दिया है, तो उससे भी जो पोस्ट बचे हुए हैं वो 69,000 में शामिल होने वाले हैं। और इस तरह पोस्ट की संख्या 91,000 पहुँचने वाली है। तो आप 100% मान लें कि जो भी कटाफ हैं 90 और 97 वाले, वो अपने आप को 100% मान के चलें कि वो टीचर बनेंगे ही बनेंगे, आज नहीं तो कल। जैसे ही फैसला आएगा वैसे ही आंसर की जारी की जाएगी, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा और बहुत जल्दी ही आपको जिला आवंटन का काम शुरू कर दिया जाएगा PNP के द्वारा। तो आप लोग उम्मीद बना के रखें और अपने आप को बिल्कुल एकदम ऊर्जा से भरपूर रखें और ये मान के चलें कि आप लोग क्वालिफाई हैं और अब सफल होंगे, टीचर बनेंगे। ये अष्टम पॉइंट चैनल का दावा है। तो इसी के साथ दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।